question it. The truth will break your chains. We have the key. Open your eyes and see. We are the ones who know the answers, and they ain't never gonna hold us back. Hello everyone and hello my beautiful girls. Assalamu alaikum. I am Simulay Khan and welcome back to my channel. तो आज मैं मेकअप ब्रशेस का रिव्यू लेकर आई हूँ और गाइज ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है. अंडर 500 रुपीज़ ही अभी मेकअप ब्रशेस परचेज किए हैं अभी तक, तो वो ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो ये है जेनरिक के मेकअप ब्रशेस जिसे मैंने अमेजोन से परचेज किया है और गाइज सीरियसली मैं इसे 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ. बहुत अच्छे मेकअप ब्रशेस हैं. शेयर करना चाहती हूँ कि ये किस टाइप से हैं. सॉरी कुछ गंदे भी होंगे लेकिन मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ. मैंने इससे पहले एक वीडियो शूट किया था जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसलिए मैंने उसमें ही इसे यूज़ किया है. तो कुछ इस तरह से ये जेनरिक के ब्रशेस का सेट है जिसमें से आपको 5 मिलेंगे फेस से रिलेटेड ब्रशेस और ये 5 हैं आई से रिलेटेड ब्रशेज, जो मुझे 350 रुपीज में अमेजोन से परचेज किए थे. बट आई डोंट नो, मैंने इसे 1 ईयर पहले परचेज किया था 350 या 400 के थे, बट मुझे अभी इसका प्राइस नहीं पता है. जो भी इसकी रिसेंट प्राइस होगी तो मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगी, तो आप उसे देख लेना. तो ये है आई से रिलेटेड ब्रशेज जिसमें से आपको ये थोड़े से स्लांट में मिलेंगे ये ब्रशेज. ये 2 ब्रशेज स्लांट में है, ये इस टाइप के ब्रशेज है. और ये है क्रीज, जब हम डिफाइन करेंगे इन ब्रशेज के साथ, इससे आप क्रीज को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं और आप इससे क्रीज को स्मच कर सकते हैं क्रीज वाले कलर को. ये है और ये थोड़ा सा स्लांट में ब्रश है, एंगल ब्रश की तरह है, अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं इससे भी. ये एस टाइप की आपको 5 ब्रशेज मिलेंगे जिससे आप आई मेकअप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं ब्रशेज के साथ. देन 5 फेस ब्रशेज जिसमें से ये ब्रश है. फर्स्ट मैं इस ब्रश की बात कर लेती हूँ. मैं इस ब्रश के साथ मोस्टली अपने जो कॉम्पैक्ट होता है अंडर आइज के नीचे से पैट करती हूँ. इससे बहुत अच्छी तरीके से हम बिल्कुल अंदर तक इसे सेट कर सकते हैं हम अपने कॉम्पैक्ट को. ओके देन ये ब्रश है जिसके साथ मैं मोस्टली अप्लाई करती हूँ अपने फुल फेस को डस्ट करने के लिए. जो मैं लूज पाउडर यूज़ करती हूँ तो मैं उसके लिए इसको फुल फेस के लिए अप्लाई कर लेती हूँ. ये उस टाइप का ब्रश है, आप देख सकते हैं कितना फ्लफी है और बहुत ही सॉफ्ट है. ओके देन सेम इसी तरह से ये 2 ब्रशेज हैं जिससे आप अपने फाउंडेशन लगा सकते हैं. बट मैं बता दूं ये ब्रश, मैं जैसे कि एक यूट्यूबर हूँ और एक मेकअप से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, तो 1 ईयर इस ब्रशेस को यूज़ करते हो गए हैं. तो जिसमें से ये जो ब्रश है, ये मेरे आई ब्रशेस अभी भी बहुत सही कंडीशन के साथ हैं. बट इसमें से जो मेरे ये 2 ब्रशेस हैं जिससे मैं मोस्टली फाउंडेशन या डस्ट करती थी, बनाना पाउडर को डस्ट करने के लिए यूज़ करती थी, तो इनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है. इसके जो ब्रशेज हैं वो निकल भी रहे हैं. तो अगर स्टार्टिंग में आप कम यूज़ करते हैं तो आपके लिए अच्छा है. मैं इसे हर 2 दिन में वॉश करती हूँ तो इसलिए इनकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो गई है. ओके देन इसके ये जो 2 ब्रश है ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में, जिसमें से आप कॉन्टोर कर सकते हैं और ब्लश के लिए यूज़ कर सकते हैं. ये इस टाइप के ब्रश हैं जो आपको इस टाइप के पैकेट में मिल जाएंगे. ओके तो ये ब्रशेज अगर आप लेना चाहते हैं, जेनरिक के ब्रशेज बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं. बट मैं इसे 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ तो इसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई है. 2 ब्रश मेरे ख़राब हो चुके हैं. रेगुलर 2 दिन के गैप के बाद मुझे ब्रशेज को धोना पड़ता है, तो इसके जो ब्रशेज हैं ये निकलने लगे हैं किसी के. बट इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. ये ब्रशेज जिससे मैं मोस्टली वीडियोज़ में मेकअप करती हूँ तो मैं मोस्टली इन्हीं ब्रशेज को यूज़ करती हूँ. तो मैंने अभी भी इसी ब्रश को यूज़ करके, आप देख सकते हैं 2-3 ब्रश गंदे भी हैं मेरे, तो मैंने ये मेकअप लुक इसी ब्रश के साथ क्रिएट किया है. ओके देन सेकेंड जो ब्रश मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है काइली के मेकअप ब्रशेज, जो कि हैं ये हैं काइली के मेकअप ब्रशेज हैं. 5 का सेट है. मैंने इसे मार्केट से लिया था. आई थिंक ये 200 या 250 रुपीज़ के ब्रशेज हैं, जिसमें से मैं ये ब्रश को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. ये काइली के ब्रशेज बहुत अच्छे हैं. इसमें से कुछ भी ब्रशेज बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही कंडीशन में है. ये भी मुझे यूज़ करते हुए 1 ईयर हो गया है इन ब्रशेज को यूज़ करते हुए. तो फर्स्ट जो काइली का ब्रश है, तो मैं इसे कॉन्टोर के लिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये यहाँ से एंगल ब्रश है ये, और तो मैं अच्छी तरीके से इसे कॉन्टोरिंग के लिए इस ब्रश को यूज़ कर लेती हूँ. ओके देन जो ये वाला ब्रश है फ्लैट शेडर ब्रश, इस ब्रश की हेल्प से मैं मोस्टली अपने कंसीलर को जो मैं आईलिड पर अप्लाई करती हूँ, आपने मुझे देखा भी होगा, मैं इसी काइली का यही ब्रश यूज़ करती हूँ जो मैं कंसीलर के लिए यूज़ करती हूँ.
लेकिन देन जो सेकंड ब्रश है जो मैं मोस्टली ये ब्रशेस मैं अपने आई के लिए ही यूज़ करती हूँ और इस ब्रश से मैं अपने कॉम्पैक्ट को सेट करती हूँ ओके और कभी कभी मैं इससे अपना हाइलाइटर भी अप्लाई कर लेती हूँ, अच्छे से अप्लाई भी हो जाता है हाइलाइटर इससे। और इसके बाद जो लास्ट ब्रश है ये है लिप लाइनर के लिए, तो मैं इसे मोस्टली लिप लाइनर के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। ब्रश मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है, मुझे इसके काइली के ये चार ब्रशेस बहुत पसंद आए और ये है फाउंडेशन ब्रश, तो मैं कभी कभी जो अगर DIY के लिए मास्क भी लगाती हूँ तो मैं इस ब्रश से लगा लेती हूँ और इसी से मैं फाउंडेशन भी अप्लाई कर लेती हूँ। तो ओवरऑल ये चार ब्रशेस मुझे बहुत पसंद है, बट इसका ये जो फिफ्थ नंबर का ब्रश है मुझे कुछ खास नहीं लगा है, तो ये कुछ इस टाइप से है। तो मेरे पास और भी ब्रश के सेट हैं, तो मैं आपको अभी वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं आपको नहीं शेयर कर पाऊंगी, ये हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो था, बोल रहे थे ब्रशेस के बारे में भी कोई वीडियो बनाओ, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है मैंने। तो ये दो एक जेनरिक के ब्रशेज हैं और ये है काइली के ब्रशेज, तो आपको जो भी ब्रशेज लेने बहुत ही बेस्ट ब्रशेज है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जरूर प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।